पंजाबी महासभा द्वारा 26 सितंबर को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रहमत ए साईं की तीसरी विशाल साईं संध्या का आयोजन किया जा रहा है। पंजाबी महासभा द्वारा पिछले कई वर्षों से समाज के उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। तीसरी विशाल साईं संध्या के दौरान पंजाबी महासभा द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष विजयपुरी ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस वर्ष भी 26 सितंबर को सोलन शहर के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रहमत ए साईं की तीसरी विशाल साईं संध्या का आयोजन किया जा रहा है। विजयपुरी ने कहा कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा इस साईं संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि साईं संध्या के मुख्य आकर्षण इस वर्ष विख्यात भजन गायक पुनीत खुराना होंगे। इस मौके पर पंजाबी महासभा द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि साईं संध्या में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। साईं संध्या जो कि पंजाबी महासभा सोलन द्वारा की जा रही है, जो कि 26 तारीख शाम फोटो ग्राउंड में होने जा रही है, जिसमें मेन सिंगर श्री पुनीत खुराना जी रहेंगे और उसके बाद आम जनता, जितनी भी जनता वहाँ पर होगी, उनके लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। ये हमारी तीसरी साई संध्या है। इस साई संध्या का एक उद्देश्य ये है कि भक्ति करस, जो कि आजकल लोग डांस अदर बॉर्डर चीज़ों के अंदर भागे हुए हैं, उनका ध्यान हटा के एक भगवान की तरफ ध्यान हटाया जाए, ताकि जितने भी यूथ लोग हैं वो नशे से मुक्त हों और अच्छे कामों में लगें। क्योंकि जो साईं हैं, साईं सभी को ये मैसेज देते हैं कि यू शुड डू बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि सभी मानुष के लिए, मनुष्य के लिए ज़रूरी है, वो अच्छे काम करें, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।